हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पीसी में खेलते हैं तो जितने भी कंट्रोल बटन होते हैं उसको कैसे आप कीबोर्ड में अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आप कैसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितने भी पीसी में आपको बटन दिखते हैं, जो भी सेट हुए रहते हैं ऑटोमेटिक, उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कीबोर्ड में। जो बटन चाहें जिस नंबर पे भी आप सेट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम कंट्रोल में आते हैं, कस्टमाइज में आते हैं और यहाँ पे आपको सारे बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन से नंबर पे कौन सा बटन है। तो आपको क्या करना है, पीसी में अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कीबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ साइड में देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा गेम कंट्रोल। जैसे ही आप यहाँ पे लेकर जाएंगे अपने माउस को तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा गेम कंट्रोल, या फिर कीबोर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको और कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पे नीचे आपको ध्यान से देखना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओपन एडवांस एडिटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और जो बटन जितने भी नंबर पे होंगे सारे यहाँ पे इजीली आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो जो बटन आपको दिखाई दे रहा होगा उतने नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहीं से आप जो इस बटन को चाहें उस बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जंप बटन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम चाहें तो इजीली मान लीजिए हम यू पे कर देंगे, यू पे करके, और यहाँ नीचे जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए साइड में सेव का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, सेव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सारे बटन हमने ऑलरेडी कस्टमाइज करके रखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह से कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो बटन आप चाहें जिस नंबर पर सेट कर सकते हैं और उस नंबर को इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सी बटन और स्पेस बटन, तो अगर हम चाहें तो स्पेस वाले को उड़ाकर यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर सी बटन को हम उड़ाकर यहाँ पे कुछ और नंबर ऐड कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप इजीली किसी भी बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आकर आप अपने पीसी के कीबोर्ड का जो बटन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो भी कमेंट अच्छा लगता है मैं वो हर एक वीडियो में पिन कर देता हूँ। आप मेरे रिसेंट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, जो भी मुझे कमेंट अच्छा लगता है या फिर जो भी कमेंट करते हैं लोग मुझे अच्छा लगता है तो मैं पिन कर देता हूँ।